हेलो गाइस, आई एम पाई बैक टू अनदर 8th एपिसोड ऑफ एनुअल की न्यूज़। तो बेसिकली आज ये बॉस ने जैसे कि जुजुत्सु कैसेन से, असुरने से और कोमिसान अकाउंट कम्युनिकेट से, तो बेसिकली वीडियो में देखते रहिए। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट न्यूज़ जुजुत्सु कैसेन लेके, बेसिकली इसका जो वॉल्यूम 17th है वो अक्टूबर 4, 2021 को आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, उनके लिए सही न्यूज़ रही है। तो नेक्स्ट न्यूज़ अपनी सॉर्ड आर्ट ऑनलाइन को लेके, तो बेसिकली इसका जो अपना वॉल्यूम 36 था लाइट नोवेल का, द इनिटियल रिंग 5, तो बेसिकली वो अक्टूबर 8 को आ जाएगा, मतलब कम ही दिन रहेगा इसके लिए भी। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ जे नोवेल क्लब को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस अपना एक क्लब है एक, तो बेसिकली सेप्टेम्बर 13 को इन्होंने अपनी एक अनाउंसमेंट किया कि बेसिकली इनकी 4 नए टाइटल ने मतलब अनाउंस किया है, और बेसिकली उनमें से एक टाइटल को ये मांगा भी बनने वाला है। बेस उसका नाम है अपना कहते फुल क्लीनेज अनदर वर्ल्ड अंदर गॉडस विद जीरो बिलीवर्स। तो बेसिकली जिसके और नाम होगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख लूँगा। तो बेसिकली मांगा से जितनी न्यूज़ मिल पाई मुझे, बस कुछ एनी अपडेट्स के बारे में। तो बेसिकली हमें जितने बहुत सारे अपडेट्स हैं, तो बेसिकली फर्स्ट न्यूज़ है अपनी सुरुने को लेके। तो बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा फेमस एक आर्चरी एनिमे है, जिसको पहले भी एक मूवी मिल चुकी है। तो बेसिकली जो इसकी नेक्स्ट मूवी है वो 2022 के लिए मतलब अनाउंस कर दिया क्योटो एनिमेशन ने। तो बेसिकली अभी नेक्स्ट हमारी कोमिसान कांट कम्युनिकेट से लेके, तो बेसिकली नेक्स्ट इसने मतलब इसका एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिया है। तो बेसिकली मतलब नेटफ्लिक्स पे एक्सक्लूसिव रिलीज़ होगी जो कि वीकली होगी, मतलब बेसिकली पहली बार नेटफ्लिक्स करके वीकली रिलीज़ कर रहा है, तो मतलब बहुत सही बात है। तो नेक्स्ट न्यूज़ अपनी आ रही है नेटफ्लिक्स को लेके, तो बेसिकली वॉलेट एवर गार्डन की जो मूवी है वो भी नेटफ्लिक्स अक्टूबर 13 को आ जाएगी। अपनी जो नेक्स्ट न्यूज़ अपनी है इनग्रिड ट्रेन को लेके, मतलब म्यूगन ट्रेन अभी आप उसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो इंग्लिश ब्लू रे है वो दिसंबर में रिलीज़ कर दी जाएगी, मतलब बहुत सक्सेसफुल हुई थी इसकी जो मूवीज़ वगैरह था थिएटर में, तो इसलिए मतलब इसकी जो इंग्लिश ब्लू रे को रिलीज़ किया जाएगा दिसंबर के लिए। अभी नेक्स्ट न्यूज़ अपनी ब्लैक रॉक शूटर को लेकर, मतलब बहुत खतरनाक फ्रेंचाइजी है। तो बेसिकली इसकी जो अपनी नेक्स्ट एनिमे ने अनाउंस कर दी, जिसका नाम होगा ब्लैक रॉक शूटर डॉनफॉल, जो कि मतलब 2022 में आ जाएगी। तो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ अपनी गंडम फ्रेंचाइजी को लेकर, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है मोबाइल सूट गंडम फ्रेंचाइजी। तो बेसिकली अपना एक नया एनिमे प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च कर दिया जो 2022 में आएगा। तो मतलब बेसिकली 3 प्रोजेक्ट है। मेरा पहला प्रोजेक्ट था विच फ्रॉम मर्करी, जो बेसिकली 7 साल के बाद इनकी एक एनिमे आने वाली है, मतलब मैं 7 साल से कोई भी एनिमे सीरीज नहीं दिया, तो बेसिकली मतलब 7 साल के बाद ये आने वाली है। तो एक और इन्हें फिल्म भी अनाउंस की, जिसका नाम है कुलक्रूज डोने साइलेंट, और इनकी जो एक पहले पुरानी सीरीज थी आयरन ब्लडेड ऑर्फेंस, उसको भी इन्हें मतलब नॉर पार्ट की एक एनिमे टाइप इन्हें बनाने के मतलब बोला है। तो अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी द केस स्टडी ऑफ फेंटलीस को लेके, जो कि फिलहाल ही खत्म हुई है। तो मतलब मैक्सिमम लोग पूछते हैं पार्ट 2 कब आएगा, तो बेसिकली पार्ट 2 इसका जनवरी 22 में आ जाएगा। बेसिकली अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है अपनी द नेक्स्ट लाइफ ऑफ विलन्स, तो बेसिकली मतलब इसकी जो बहुत ज़्यादा फेमस एनिमे है जो फिलहाल ही खत्म हुई है, तो बेसिकली इसका जो मूवी अनाउंस कर दी गई है, बेसिकली टाइटल इसका अभी तक रिवील नहीं किया गया, बस इसका अनाउंस ही किया गया। तो बेसिकली इसकी यही न्यूज़ थी आज एनिमे की। तो कुछ मिसलेंस अपडेट के बारे में, जो पहला अपडेट आ रहा अपना स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन को लेके, तो बेसिकली इसकी जो नई मूवी है स्वॉर्ड आर्ट प्रोग्रेसिव, जो उसकी ट्रेलर आ गया है, बेसिकली उसमें म्यूज़िक दिया लीजा ने, मतलब बहुत ज़्यादा सही म्यूज़िक है। बेसिकली लीजा मतलब अक्सर अच्छा ही म्यूज़िक देती है, अगर आप नहीं सुनता सुन लेना, या फिर मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसका लिंक। तो अभी नेक्स्ट मुझे बंगो स्ट्रे डॉग को लेके, बेसिकली फिलहाल उसकी मूवी अनाउंस हुई है जिसका नाम है बीस्ट। तो बेसिकली अब इसकी लाइव एक्शन मूवी अनाउंस हो चुकी है, जो कि बेसिकली 7 जनवरी को आ जाएगी 2022 में, तो बहुत मतलब जल्दी आने वाली है। कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में, तो पहला अपडेट अपना अटैक ऑन टाइटन को लेके, बेसिकली एनिमे से रिलेटेड नहीं है वैसे अपडेट है। तो बेसिकली अटैक ऑन टाइटन की जो मतलब एक उनका जो बेसिकली टाइटन थीम फ्रेश के ट्रैश के मतलब जापान में मतलब रिलीज हो गया मतलब अनवील हो गया है। तो बेसिकली मतलब टाइटन शेप की डस्टबिन टाइप आप बोल सकते हैं, मतलब देखने मतलब काफ़ी अजीब सा लगता है, मतलब सही है टाइटन में सफाई में मदद करेगी उनकी। तो अभी नेक्स्ट है क्रंची रोल को लेके, तो बेसिकली क्रंची रोल आपको बताया हुआ उनके पास एक बहुत फेमस एनिमे है द फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। तो बेसिकली उन्हें उनकी नई कलेक्शन मर्च अनाउंस कर दी गई है, बेसिकली उनमें से दो तो मतलब शायद उनकी वेबसाइट पर भी हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। इंडिया का मुझे मतलब पूरा पता नहीं है, लेकिन बेसिकली और कंट्री में शायद आ ही चुकी है, मतलब चेक कर लेना, अगर नहीं हुई तो बता देना, मैं शायद कुछ जुगाड़ कर लूँगा। तो बेसिकली नेक्स्ट मुझे अपनी फनी मशीन लेके हैं, बेसिकली न्यू यॉर्क में जो कॉमिक कॉन होने वाला है 7 to 10 दिसंबर, मतलब वहाँ पे अपनी बेसिकली मैक्सिमम जो भी मतलब मेजर एनिमे है उसके मतलब इनका स्टैंड है बेसिकली एक, और वहाँ पे शायद ड्रैगन बॉल का कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकती है। तो बेसिकली आज के लिए बस इतनी न्यूज़ थी, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।